दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, अगर आप ये वीडियो बनाकर अपने टिकटॉक अकाउंट पे डालेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं 110%, 100%, 200% ये वीडियो वायरल ही होगी। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये लक्ष्मण प्रधान भाई ने जब ये वीडियो डाली थी तब उनके अकाउंट पे ये वीडियो ऐसी वायरल हुई कि कई मिलियंस व्यूज आ गए और कई मिलियंस लाइक हो गए। तो दोस्तों अगर आप भी इस वीडियो को बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैंने बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए हैं, उसके बाद मैं आपको वीडियो को ट्यूटोरियल लेके आया हूं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी बकचोदी के। तो दोस्तों देरी किस बात की है, फटाफट से कैनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास कैनमास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है कि आप कैनमास्टर के मॉड वर्जन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप वहां से देख सकते हैं और कैनमास्टर के मॉड वर्जन को बिना वाटरमार्क वाले कैनमास्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक कर देना होगा और 9:16 रेशियो को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, जो टिकटॉक का रेशियो होता है। उसके बाद यहाँ से आपको मीडिया पर क्लिक करना होगा और ब्लैक बैकग्राउंड को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ से मैंने ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से आपको इसे आगे तक बढ़ा देना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको एक कुर्सी को सिलेक्ट करना होगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उस कुर्सी की PNG को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ से मैं लेयर पर क्लिक करता हूँ, मीडिया को सिलेक्ट करता हूँ, कुर्सी वाली PNG को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। तो देख लीजिए दोस्तों ये वाली आ गई कुर्सी वाली PNG, इसे आपको अपनी तरीके से सही से रख लेना है। तो इसे मैं रख लेता हूँ अपने हिसाब से, तो आपको भी अच्छे से रख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस कुर्सी वाली लेयर को भी आपको पूरा कर देना है आगे तक, और यहाँ से आपको अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है। लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं होगा कि आपको किस तरीके की वीडियो शूट करनी है, तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि आपको किस तरीके की वीडियो शूट करनी है। तो उसके लिए यहाँ से मैं लेयर पर क्लिक करता हूँ, मीडिया सेलेक्ट करता हूँ और अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से देख लीजिए दोस्तों मेरी वीडियो आ चुकी है, उसके बाद मैं आपको अपनी वीडियो दिखा देता हूँ। आपको कुछ इस तरीके की वीडियो को शूट करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप वीडियो को शूट करें तो आपके पीछे ग्रीन रेड कोई पर्दा होना चाहिए। मैंने रेड रखा था, इतना खास अच्छा आया नहीं, प्रोफेशनल वीडियो बनी नहीं है। आपको ग्रीन रखना है जिससे आपकी प्रोफेशनल वीडियो बने। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, वीडियो शूट करते समय आपका जो कैमरा होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए। आप किसी ट्राइपॉड का यूज कर सकते हैं, अगर आप स्टेबल नहीं रखेंगे तो आपकी वीडियो प्रोफेशनल नहीं बन पाएगी। तो यहाँ से मेरी वीडियो का कुछ भाग खराब है तो इसे मैं कट कर देता हूँ पीछे से। अगर आपकी वीडियो का भी भाग कोई खराब हो आगे से या पीछे से तो आपको उसे कट कर देना है। तो इसे मैंने पीछे से कट कर दिया। अब यहाँ से हम अपनी वीडियो को क्रॉप कर लेता हूँ, तो उसके लिए यहाँ से मैं अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से नीचे आना है, क्रॉपिंग पर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ से मैं अपनी वीडियो को थोड़ा कट कर देता हूँ, तो आपको अपने हिसाब से कट कर लेना है। आपका बैकग्राउंड सही नहीं आया हो तो देख लीजिए दोस्तों, मेरी वीडियो में अच्छा नहीं आया इसलिए मैं कट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने कट कर दिया। उसके बाद दोस्तों मैं अपनी वीडियो को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से नीचे आना है क्रोमा की पे और यहाँ से इसे इनेबल कर देना है। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, जो रेड बैकग्राउंड था वो हट चुका है लेकिन कलर अच्छे नहीं आ रहा, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से मैच कर सकते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से कुल मिला के सही हो चुकी है वीडियो। अब इसे आपको अच्छे से रख लेना है, तो इसे मैं यहाँ से रख लेता हूँ। तो इसे मैंने यहाँ से रख लिया है, आपको भी इस तरीके से अपनी वीडियो को रख लेना है। उसके बाद जैसे ही आप अपनी उंगली को वॉच पे टच करते हैं वहाँ पे आपको वीडियो रोक देनी है। तो जैसे मैंने यहाँ से रोक दी, उसके बाद यहाँ से आपको लेयर पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ओवरले, आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको एरर वाला इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना होगा अगर आपकी फ़ोन में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसके लिए यहाँ से आपको गेट मोर पे क्लिक कर देना होगा और एरर वाले इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना होगा। यहाँ से मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको प्रोसेसिंग वाला पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ से आ चुका है। उसके बाद यहाँ से आप देख लीजिए, इसे आपको थोड़ा बड़ा कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको भी कर देना है। तो यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, जैसे ही मैंने अपनी उंगली को वॉच पे टच किया यहाँ से प्रोसेसिंग वाला इफेक्ट आ गया, जो देखने में काफ़ी बेस्ट लगता है। उसके बाद यहाँ से आपको इसे आगे से काट देना है, तो यहाँ से मैं ट्रिम कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देख लीजिए दोस्तों, कितना अच्छा इफेक्ट लग रहा है। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही हाथ को ऊपर ले जाते हैं वहाँ पे आपको वीडियो को रोक लेना है। तो यहाँ से मैं अपनी वीडियो को रोक लेता हूँ, जैसे ही मैं हाथ को ऊपर ले जाता हूँ तो यहाँ से मैंने वीडियो को रोक दिया। उसके बाद यहाँ से आपको लेयर पे क्लिक करना होगा, मीडिया सेलेक्ट करना होगा और ब्लैक बैकग्राउंड को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ से मैंने कर लिया है। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आना है, क्रॉपिंग पर क्लिक करना है, मास्क को इनेबल कर देना है और शेप को आपको यहाँ से ये वाली रख लेनी है, ये वाली सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। और इसे आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, तो यहाँ से मैंने कर लिया।
उसके बाद दोस्तों इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो, तो यहाँ से मैं ब्लू कर लेता हूँ, आपकी इच्छा से अनुसार कोई भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसको आपको छोटा बड़ा करके घड़ी को ऊपर रख लेना है, जो देखने में काफ़ी बेस्ट लगता है और इससे काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है वीडियो में, जो वीडियो को प्रोफेशनल काफ़ी बनाता है। तो इसको आपको घड़ी को ऊपर रख लेना है ऐसे, तो यहाँ से मैंने रख लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको नीचे आना है, ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है और इसकी ओपेसिटी को आपको कम कर देना है, जो काफ़ी ट्रांसपेरेंट लगेगा और जो देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको इसे फिर से सिलेक्ट करना है, इन एनिमेशन में जाना है और यहाँ से आपको नीचे आना है। जैसे आप यहाँ से नीचे आते हैं तो यहाँ से आपको और भी नीचे आते रहना है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा बाइपअप, आपको ये कर देना है और इसे आपको कर देना है 0.5 तक। उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे वीडियो को रोक देना है जहाँ पे अपने हाथ को आप ऊपर करते हैं, तो यहाँ से मैं वहाँ पे वीडियो को रोक देता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको जो वीडियो आप टिकटॉक की स्क्रीन रिकॉर्ड से रिकॉर्ड करेंगे उन वीडियो को यहाँ पे आपको लगाना है। दोस्तों आप चाहें तो स्क्रीन शॉट लेके टिकटॉक वीडियो को भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप स्क्रीन शॉट लगाएंगे तो आपकी वीडियो प्रोफेशनल नहीं लगेंगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वीडियो को बनाना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको इस वीडियो में जो चीज़ ईजी लगे आप वही काम कीजिए, आपको जो क्रिटिकल लगे आप वो काम मत कीजिए, आप अपनी वीडियो को काफ़ी अच्छा बना पाएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ से आप अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो लगाएंगे तो वीडियो आपकी प्रोफेशनल लगेगी, आप चाहें तो स्क्रीन शॉट भी लगा सकते हैं, काम चलाऊ वीडियो बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपको मैंने हाथ ऊपर किया है, यहाँ पर मैंने वीडियो को रोक दिया। अब उसके लिए यहाँ से मैं लेयर पर क्लिक करता हूँ, मीडिया सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैंने जो वीडियो टिकटॉक से स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है उन वीडियो को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैं कुछ वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ से देख लीजिए दोस्तों पहली वीडियो आ चुकी है। उस वीडियो के बाद यहाँ से आपको क्रॉपिंग में जाना है और यहाँ से आप इसे क्रॉप कर सकते हैं थोड़ा बहुत चाहें तो, मैं यहाँ से थोड़ा कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ से नीचे आना है, ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है और इसकी ओपेसिटी को आपको कम कर देना है, जिससे कि ट्रांसपेरेंट लगने लगेगी और आपकी वीडियो काफ़ी प्रोफेशनल लगने लगेगी। उसके बाद दोस्तों आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करके अपने हैंड के ऊपर रख देना है, जैसे मैं यहाँ से रख रहा हूँ आपको भी इस हिसाब से रख देना है। उसके बाद यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है, इन एनिमेशन में जाना है, यहाँ से आपको नीचे आना है, यहाँ से आपको कर देना है वाइप अप, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैंने वाइप अप कर दिया है और इसे आपको कर देना है 0.5 तक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपकी वीडियो कहाँ पर ख़त्म हो रही है आपको यहाँ से चला के देखना है, यहाँ पे आपकी वीडियो को काट देना है, आपको कट कर देना है पीछे की वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ से आपको वीडियो को सिलेक्ट करना है और यहाँ से जाना है आउट एनिमेशन में और यहाँ से आपको कर देना है स्लाइड राइट, ठीक है दोस्तों। और इसको भी आपको 0 पॉइंट कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ से हाथ करते हैं आपकी वीडियो हट जाएगी, तो यहाँ से मैं आपको वीडियो चला के दिखाता हूँ, देख लीजिए दोस्तों हट चुकी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, टिकटॉक से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको बहुत सारे ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, ड्यू रिकॉर्डर है, फिर बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और टिकटॉक की वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी वीडियो को चला के देखना है, जहाँ पर आप एक वीडियो को हटा देते हैं आपको वहाँ पर वीडियो को रोक देना है। उसके बाद यहाँ से आपको लेयर पर क्लिक करना है और दूसरी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए लगाई है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ से आप इसे क्रॉपिंग में जाके क्रॉप कर सकते हैं थोड़ा बहुत, मैं इसे कर लेता हूँ, आपकी इच्छा हो तो आप कीजिए वरना मत कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैंने इसे क्रॉप कर लिया है, इसको आपको सिलेक्ट करना है, नीचे आना है और यहाँ से आपको इसकी ब्लेंडिंग में जाना है और इसकी ओपेसिटी को आपको कम कर देना है, जिससे आपकी वीडियो ट्रांसपेरेंट बन जाएगी और काफ़ी देखने में अच्छी लगेगी। अब आपको इसे छोटा करके हैंड के ऊपर रख देना है, तो इसे मैं छोटा करके हैंड के ऊपर रख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैंने इसे लगा दिया है। उसके बाद यहाँ से इन एनिमेशन में जाना है और यहाँ से आपको कर देना है स्लाइड राइट, जिसे आप कर देना है 0.5 तक। उसके बाद दोस्तों हम जैसे दूसरी वाली वीडियो को हटाते हैं वहाँ पे आपको वीडियो रोक देनी है, यहाँ से मैं रख दिया। उसके बाद यहाँ से आपके पीछे को पार्ट को काट देना है और यहाँ से इस पर क्लिक करना है, आउट एनिमेशन में जाना है और यहाँ से आपको कर देना है स्लाइड राइट, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आपको कर देना है 1.0 तक, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको वीडियो चला के दिखाता हूँ। हमारी वीडियो में 2 वीडियो लग चुकी है और हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से बन चुकी है। अब लास्ट में आपको अपनी वीडियो लगानी है, क्योंकि दोस्तों आप अपनी वीडियो का इफेक्ट अलग ही होता है। अगर आपके पास अपनी वीडियो नहीं है तो आप किसी भी टिकटॉक से लगा सकते हैं कोई भी वीडियो। तो यहाँ से मैं टिकटॉक से ये वीडियो को लगा के दिखाता हूँ आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपनी वीडियो को चला के देखना है और जहाँ से आप दूसरी वीडियो को हटाते हैं वहाँ पर आपको तीसरी वीडियो को लगा देना है। तो यहाँ से आपको तीसरी वीडियो को लगाना है, लेयर पे क्लिक करूँगा, मीडिया पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से आपको तीसरी वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है जिसकी आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है। तो यहाँ से मैंने इस वीडियो को ले लिया, इसे आप चाहें तो थोड़ा क्रॉप कर सकते हैं, तो इसे मैं क्रॉप कर लेता हूँ, तो क्रॉप कर लिया। उसके बाद इसकी ओपेसिटी को आपको कम कर देना है,
तो उसके लिए यहाँ से आपको ब्लेंडिंग में जाना है, ओपेसिटी को कम कर देना है, जिससे कि ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। उसके बाद इसके आपको अपनी हैंड पे उसको रख देना है, तो यहाँ से मैंने रख लिया इस वीडियो को छोटा करके थोड़ा। उसके बाद आपको इसे सिलेक्ट करना है और आपकी इन एनिमेशन में नहीं जाना है, आपको जाना है आपको ओवरऑल एनिमेशन में, और इसका आपको कर देना है रिंग। आप जैसे रिंग करते हैं आपकी वीडियो देख लीजिए दोस्तों कितनी बेहतरीन बन के तैयार हो चुकी है। उसके बाद अब मैं यहाँ से आपको वीडियो चला के दिखाता हूँ। बस जैसे ही आपने हाथ को नीचे किया वहाँ से आपको अपनी वीडियो को कट कर देना है। तो यहाँ से मैं अपनी वीडियो को कट कर देता हूँ, तो आपको इस तरीके से कर देनी है। अब इसके बाद आपके पास जितनी भी लेयर हो गई है उन्हें यहाँ से आपको काट देना है पीछे से। सिर्फ आपको अपनी वीडियो बराबर तक रखनी है, सिर्फ बैकग्राउंड को आपको छोड़ देना है, बाकी जितनी भी लेयर है आपको सबको काट देना है। तो इस सॉलिड कलर वाली को भी मैं यहाँ से काट देता हूँ, तो यहाँ से सब लेयर को मैंने काट दिया, सिर्फ बैकग्राउंड बचा है। आपकी वीडियो का फर्स्ट पार्ट बनके तैयार हो गया। अब यहाँ से आपको घूमने वाली वीडियो को लगाना है, जो आपको कपड़े चेंज करके शूट करनी है। किस तरीके से शूट करनी है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए थोड़ा मैं यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड को बढ़ा देता हूँ, तो आपको इस हिसाब से बढ़ा लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं अपनी वीडियो को लगाता हूँ, दूसरी वीडियो को लगाता हूँ। तो उसके लिए यहाँ से मैं लेयर पे क्लिक करूँगा, मीडिया पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से देख लीजिए दोस्तों मैंने वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों मैं इस वीडियो को थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैंने इसे क्रॉप कर लिया। उसके बाद जहाँ से मुझे वीडियो लेनी है वहाँ से ले लेता हूँ, बाकी बेकार पार्ट को काट देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ से वीडियो को चला कर देख लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने पीछे का पार्ट काट दिया और आगे का पार्ट भी करा दिया। जो वीडियो लेनी है मैंने वहाँ यहाँ से वीडियो ले लिया, उस वीडियो को यहाँ से आगे बढ़ा के मुझे रख लेना है। यहाँ से मैंने वीडियो को रख लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करना है, यहाँ से जाना है क्रोमा की में। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस वीडियो को भी आपको ग्रीन कपड़ा, ब्लू कपड़ा या फिर रेड कपड़े में आपको वीडियो को शूट करना है, जिस तरीके से मैंने शूट किया इस तरीके से। तो यहाँ से देख लीजिए दोस्तों बैकग्राउंड हट चुका है, अब इसे आपको अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों फिर भी वीडियो अच्छी नहीं बनी है, तो इसके लिए मैं यहाँ से नीचे आता हूँ और यहाँ से कलर एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ से हमारी कुल मिला के वीडियो बनके तैयार हो गई है, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों वीडियो काफ़ी अच्छी बनके तैयार हो गई है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे कपड़ों को चेंज करके वीडियो को लगा सकते हैं और अपनी बेहतरीन वीडियो को बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं सिर्फ एक ही वीडियो को लगा कर आपको दिखाता हूँ, तो इस तरीके से आप बहुत सारी वीडियो को लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं बैकग्राउंड को इसे काट देता हूँ, तो यहाँ से मैंने इसे कट कर दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ से हमारी कुल मिलाकर 100% तक वीडियो बनके तैयार हो गई है, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ अभी एक चीज़ की कमी रह गई है, स्मोक की। तो यहाँ से मैं स्मोक डाल देता हूँ लास्ट वाली वीडियो में, तो आपको भी स्मोक डाल देना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस स्मोक का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ से मैं स्मोक को उठा लेता हूँ और यहाँ से लगा दूंगा। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ से स्मोक आपको दिख रहा होगा, ये आ गया, इसे मैं लगा दूंगा। तो इसको पहले सबसे पहले यहाँ से आपको फुल स्क्रीन कर देना है। अब मैं यहाँ से आपको वीडियो चला के दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब जहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है उसके बाद यहाँ से स्मोक को इसे कट कर देना है आपको, और इसे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको जाना है ब्लेंडिंग में, स्मोक वाली लेयर को आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद ब्लेंडिंग में जाना है और यहाँ से आपको कर देना है स्क्रीन। अब मैं दोस्तों आपको वीडियो चला के फुल दिखाता हूँ कि हमारी वीडियो कुल मिला के बन के तैयार हो गई है। तो देख लीजिए दोस्तों हमारी वीडियो कुल मिला के बन के तैयार हो गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस वीडियो को शूट करते समय आपका कपड़ा ग्रीन होना चाहिए, तभी आपकी वीडियो प्रोफेशनल बनेगी। आप देख रहे होंगे मेरी वीडियो का कलर काफ़ी अच्छे खास नहीं लग रहे हैं, इसका मेन कारण यही है कि जो मेरे पीछे कपड़ा था बैकग्राउंड में वो रेड था। आपको ग्रीन कपड़ा लाना है, जिससे आपकी वीडियो बिल्कुल प्रोफेशनल बन जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ से आप सब वीडियो का, जैसे अपनी आपकी वीडियो थी, आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करना है और इसकी आवाज़ को आपको म्यूट कर देना है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको ट्रेंडिंग म्यूजिक डालना है, जिससे आप वीडियो को टिकटॉक पर वायरल करवा सकें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो लास्ट वाली वीडियो है इसका भी आपको म्यूजिक को ऑफ कर देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया।
उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप वीडियो को कोई ऐसा वैसा म्यूजिक डाल के अपलोड ना कर दें टिकटॉक पर, आप यहाँ से ट्रेंडिंग म्यूजिक को डाल के अपलोड करें टिकटॉक पर, तो गारंटी लेता हूँ 110% ये वीडियो वायरल ही होगी। तो उसके लिए यहाँ से आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है।